वेलकम बैक टू माय चैनल रूफिया का किचन। कैसे हैं फ्रेंड्स, सब अच्छे हैं ना? देखिए, हम सब मिलकर अब मोहर्रम का फेस्टिवल मना रहे हैं। मोहर्रम के फेस्टिवल में बहुत से स्पेशल रेसिपीज बनते हैं, डिशेस बनते हैं। उसमें है घोड़े। घोड़े ये ज्यादातर मोहर्रम के फेस्टिवल में ही मनाया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं घोड़े बनाना। घोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, भुना हुआ चना 1/2 कप भुना हुआ चना, और 1/2 कप गुड़। इसे आप बाद में थोड़ा मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। टेस्ट के अनुसार नमक और नारियल, इसे भी थोड़ा मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। हमने ड्राई फ्रूट्स मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। इलायची पाउडर और मिल्क, इन सबको यूज करके हम घोड़े बनाना। फ्रेंड्स, अब हम एक बोल लेते हैं और उसमें ये गेहूं का आटा डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये गेहूं का आटा हम मिल्क में गूंदेंगे। मिल्क में गूंदने से क्या होता है, बहुत डो सॉफ्ट होता है और खाने में घोड़े भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये एक स्पेशल रेसिपी है जो मोहर्रम के टाइम में इतनी ही बनती है और बाद में ज़्यादा कोई कौन भी नहीं बनाता। देखिए फ्रेंड्स, हमको ये अच्छे तरह से इसका डो बना लेना है, ऐसा जो आप घर में रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए बनाते हैं, वैसा डो हमको बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा डो तैयार है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा बोल लेंगे। अब उसकी घोड़े की स्टफिंग हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम चने का आटा, इसमें भुने चने का आटा इसमें डाल देंगे और उसमें जो हमने गुड़ मिक्सर में पीस लिया है उसको डाल देंगे, क्योंकि इसमें ये मेल्ट होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसे पीस लेना चाहिए और अच्छे से इसमें हम गुड़ को मिक्स कर देंगे। ये गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तब स्टफिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इसे ऐसे दबा दबा कर इसमें चने, भुने चने के आटे में इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, खसखस और नारियल, इन सबको डालकर हम स्टफिंग बना लेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको भी इसी तरह से मिक्स करना है और स्टफिंग इससे बहुत अच्छी होती है और टेस्टी होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा गुड़ का शरबत बनाएंगे, क्योंकि घोड़ों के लिए गुड़ का शरबत बहुत ज़रूरी होता है। गुड़ मेल्ट होने के लिए इसमें डाल देंगे। बहुत देर तक हमना नहीं पकाना है, गुड़ बेल्ट मेल्ट होने तक ही इसे पकाकर इसका हम शरबत बना लेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर भी टेस्ट के लिए डाल देंगे। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारे घोड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ऐसे ही गुड़ मेल्ट करके इसका हमें शरबत बनाना है। इसलिए हमारे चैनल रूफिया का किचन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे हमारे देसी अच्छे अच्छे देसी रेसिपीज आप पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा गुड़ का शरबत तैयार है और कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा कलर भी आया है। आप अब इसको हम ठंडा करने रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा आटा, हमारा डो अब तैयार है। अब हम घोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, उसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस तरह आपको एक बड़ी सी रोटी बेल लेके अच्छी तरह से फैला लेना है। देखिए हमारी रोटी फैल रही है, ऐसा आपको अच्छी तरह से पतली करके ऐसा फैला लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी पतली सी रोटी बन गई है। हम ऐसा एक वाटी लेकर ऐसे कट करेंगे। आपको भी ऐसा ही करना है, इससे हमारे घोड़े बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे और बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी। देखिए ऐसे आपको छोटे छोटे पूरी टाइप छोटे छोटे घोड़े बनाना है। इस तरह से और बची हुई आटे को निकाल लें। फ्रेंड्स, अब हम एक एक लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग भरेंगे और इसको ऐसा बीच में से प्रेस करेंगे और साइड से भी ऐसा प्रेस करेंगे और इस साइड से भी प्रेस करेंगे। ऐसा प्रेस करके हम घोड़े तैयार करेंगे और दूसरा लेंगे, इसमें भी ऐसा स्टफिंग भर देंगे। इसे बीच में से ऐसा प्रेस करेंगे और साइड से ऐसा प्रेस करेंगे और इस साइड भी ऐसा प्रेस करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरह से दबाना है, नहीं तो इसकी स्टफिंग बाहर निकल आएगी। देखिए इस तरह से ये घोड़े दिखते हैं। ये मोहर्रम स्पेशल हैं, मोहर्रम में ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए हमारी देसी रेसिपीज पाने के लिए रुफिया का किचन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसे ही हम सब घोड़े बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सारे घोड़े बना लिया है। अब इसको हम स्टीम करेंगे। हमने पानी पहले से ही गरम रख दिया है। हम एक एक करके इसमें अब रख देंगे और अच्छे से इसे स्टीम कर लेंगे। आपको भी स्टीम करना है, इससे हमारे घोड़े बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। इस तरह से इन सबको हम इसमें डाल देंगे और इस पर हम ऐसा 5 मिनट के लिए हम इस पर ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे घोड़े स्टीम हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए हमारे घोड़े अब तैयार हो चुके हैं। हम इसमें टेस्ट अच्छा तरह से, फिर ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए हम एक नया ट्विस्ट करेंगे। जो हमने गुड़ का शरबत बना के रखा है, हम उस पर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। इसमें गुड़ का शरबत बहुत टेस्ट आता है, इसकी मेन रेसिपी यही है। इसे हम डालने से इसमें बहुत अच्छी तरह से टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये शरबत इसीलिए ही मनाया जाता है मोहर्रम में, घोड़ों के लिए ही। इसमें ये डालकर जैसे हम जामुन में रस डालते हैं, वैसा ही इसमें गुड़ का शरबत डालना होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे आप घर में ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनती है। इस पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे देसी रेसिपी पाने के लिए, होममेड रेसिपी पाने के लिए हमारा चैनल रुफिया का किचन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। खुश रहिए, सेफ रहिए। अच्छा फ्रेंड्स, गुड डे।